न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सुमेर सागर पोखरे पर हुए अवैध कब्जे पर रविवार को दूसरे दिन भी चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। एसडीएम सदर ने कहा, गोरखपुर पहल के तहत सुमेर सागर पोखरे के साथ सदर तहसील में हुए अन्य कब्जे को भी भू माफियाओं से कराया जाएगा मुक्त, कर लिए गए हैं चिन्हित। जिलाधिकारी के आदेश से अब कलेक्ट्रेट परिसर में बिना थर्मल स्कैनिंग के नहीं हो सकेगा प्रवेश, मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड का होना भी जरूरी। शाहपुर थाना क्षेत्र के हॉटस्पॉट एरिया आवास विकास कॉलोनी और झरना टोला व कैंट थाना क्षेत्र के बेतेहाता के हॉटस्पॉट क्षेत्रों का रविवार को एसडीएम सदर गौरव सिंह सबरवाल ने किया निरीक्षण, लोगों को किया जागरूक, कहा बरतें सावधानी, बचें कोरोना महामारी से। गोरखपुर में रविवार को मिले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 308 जबकि 195 हो चुके हैं डिस्चार्ज, 13 लोगों की हो चुकी है मौत, एक्टिव केस 100, सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने दी जानकारी। महवा मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने किया मंडी का निरीक्षण, कहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानों पर होगी कार्रवाई। नदियों के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट, एडीएम फाइनेंस ने कहा बाढ़ चौकियों को किया गया सक्रिय, बनाया गया कंट्रोल रूम। और समाजवादी पार्टी महानगर इकाई की बैठक बेतिहाता स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई संपन्न, सपा सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की बनी रणनीति।